है ढाई दिन के झोपड़े के अंदर। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर मतलब पब्लिक भी आज मौजूदगी। न्यू ब्लॉग, तो आज किस न्यू ब्लॉग की ज़रूरत हो रही राजस्थान के अजमेर ज़िले से। तो अभी मैं हूँ अजमेर ज़िले में और आपको मैं दिखाऊँगा जयपाल जादूगर ने फादर जी के ऊपर जो पत्थर फेंका था वो पत्थर। तो वीडियो पर बना रही, वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोगों, यही वो पत्थर है जो ख्वाजा जी के ऊपर जयपाल जादूगर ने फेंका था। तो इसमें दो उंगलियों के रहे निशान और घोड़े की टाप से यह जो निशान। भाई लोगों, अभी आ चुके हैं अजमेर के ढाई दिन के झोपड़े में। आपने सुना होगा यह झोपड़ा ढाई दिन में रेडी कर दिया गया और अभी इसके चलते हैं ढाई दिन के अंदर के झोपड़े में। तो इसके अंदर एंट्री हो चुकी है ढाई दिन के झोपड़े के अंदर। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर मतलब पब्लिक भी आज मौजूदगी में है और बहुत बड़ा ये झोपड़ा है, देख सकते हैं आप बिल्कुल साफ साफ स्क्रीन पर। यह अपना ढाई दिन का झोपड़ा। तो भाई लोगों, यह झोपड़ा ढाई दिन में बना था और यह झोपड़ा किसने बनाया था तो आप लोग हैरत होंगे, क्यों ढाई दिन में कोई घर इतना बड़ा महल बन के रेडी नहीं हो जाएगा। तो इंसानों ने नहीं बनाया बल्कि यह ढाई दिन का झोपड़ा जिन्होंने बनाया था, जो कि ढाई दिन में इसे बनाकर रेडी कर दिया था, यानी अपने फादर जी की हुकूमत पर, यानी फादर जी ने अब हुक्म दिए जिन्हों को। तो जिन्होंने यह झोपड़ा ढाई दिन में बनाकर रेडी कर दिया था। और ये देख लीजिए, आप लिखा हुआ देख रहे हैं, जो कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, कोई मतलब डिज़ाइन उजाइन तो नहीं है। ओ भाई, काफ़ी ज़्यादा बड़ा गेट भी आप देख सकते हैं। यहाँ की मतलब मस्जिद में ढाई दिन में हैरत है यार भाई, हैरत। ढाई दिन में एक काम की डिज़ाइन नहीं मिलेगी और ढाई दिन में पूरा झोपड़ा बना दिया था। तो ये कोई इंसानों नहीं बल्कि जिनने ढाई दिन में है झोपड़ा बना के रेडी कर दिया था, फादर जी के कहने पर, यहाँ नहीं फादर जी के हुकूमत पर। और ढाई दिन के झोपड़े की मजबूती है, पूरा पत्थर से बना हुआ है और बहुत ज़्यादा इसकी मजबूती है, देख सकते होंगे आप कितना ज़्यादा ये मजबूत। ढाई दिन का झोपड़ा हो रहा है 1:08। ढाई दिन का झोपड़ा नहीं बल्कि एक मस्जिद टाइप का बना दिया और इसमें नमाज भी पढ़ाई जाती है और लोग पढ़ते भी हैं। तो आप लोग इस ब्लॉग को देखकर थोड़ा आस फिर होंगे कि ढाई दिन को नमाज नहीं बन सकती, तो मैं भी नहीं मान सकता हूँ, नहीं बन सकती। फिलहाल ये इंसान नहीं बल्कि फादर जी के कहने पर जिन्होंने बनाई थी। और यह जिन्हों की कलाकारी देखी, उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और डिजाइन देखिए, पहली बात डिजाइन। मेरे को यह रहा है राजस्थान के गधे। तो यहाँ पर एक दुकान शॉप जिसपे मिठाइयाँ बहुत सारी मिल रही है भाई लोगों, खासा। और यहाँ पर बहुत सारे टॉय खिलौने बिक रहे हैं और जूती चप्पल बिक रही और बहुत सारे यहाँ पर पता नहीं ये क्या नपोर की थी। और टोपी भी काफ़ी ज़्यादा, यहाँ की मार्केट बहुत ज़्यादा। बाइक तक चुके हैं अपने रूम के लिए और पूरा दिन घूमते घूमते सुबह मैं 6 बजे निकल गया था घूमने के लिए और आप बज रहे हैं कम से कम लगभग 1:35 हो चुके हैं। और अभी जाके रूम पे थोड़ा बहुत सस्ता थे और फिर बाद में मिलते हैं आपसे। तो अब दारविश रूम पे चलते हैं और साथ ही साथ पानी की बोतल भी ले ली, प्यास नहीं लगे। और जब प्यास लगती है भैया जी का शरबत पीना, तरबूज और दूध का शरबत, दूध मिलाते हो? दूध मिलाता हूँ भाई, रबजा मिलाता हूँ, हाँ वाटर मिलाना है। तो भैया का शरबत बहुत नाम है, अपना एड्रेस बता दीजिए यहाँ का। अजमेर दरगाह के पास, 4 नंबर गेट के पास, अजमेर के दरगाह के पास भाई, मोहब्बत के शरबत आ गया दिल्ली का, हम लोग यहाँ पे। तो 1 नंबर शरबत। तो आगे और रूम को करते हैं ऑन और साथ ही साथ अपने यह रही टॉयलेट और यह रहा
नहाने का वॉशरूम और कुछ इस प्रकार से बाथरूम है अपनी, और कुछ इस प्रकार से अंदर का सीन है। यह रहा अपने बेड वेड, और साथ ही साथ यह रही भाई अपनी एसी, और यह रहा सारा कुछ सिस्टम, और यह रही अपनी टीवी, और टीवी को करते हैं ऑन। तो भाई लोगों टीवी तो अपनी ऑन हो चुकी है, और टीवी में